नमस्कार, इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। मशहूर फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्स वाइफ आलिया सिद्दीकी ने अब उनके खिलाफ पुलिस थाने वर्सोवा में जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस रिपोर्ट में उन्होंने रेप को लेकर के रिपोर्ट दर्ज कराई है और उन्होंने कहा है कि रेप के मामले में उन्होंने ये रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो माँ है, जो उनकी बेरहम माँ है, उन्होंने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में वो कह रही हैं कि उनकी माँ ने जो कि उनके बच्चे को, उनके बच्चों को नाजायज़ बताती हैं और ये घटिया आदमी चुप रहता है, ऐसा इस वीडियो में रोते हुए नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्स वाइफ आलिया सिद्दीकी कहती हैं। और इन सब के बीच उन्होंने कहा है कि मैंने वर्सोवा थाने में जाकर के उनके खिलाफ केस दर्ज कराई है, आगे जो कुछ भी होगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने आप को बहुत ही, जो कि मशहूर अभिनेता है, अपने आप को महान इंसान बनने की भी कोशिश करते रहते हैं, लेकिन असल में उनका रूप दूसरा है। वो मुझसे मेरे बच्चों को छीनना चाहते हैं और लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। और बॉलीवुड अभिनेता जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, हाल ही में ही उन्होंने कोर्ट में अपने बच्चों की कस्टडी को लेकर के केस फाइल की थी, जिसके बाद अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्स वाइफ आलिया सिद्दीकी का वीडियो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है। ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा है। वीडियो शेयर करते हुए आलिया लिखती हैं कि एक महान एक्टर जो महान इंसान बनने की कोशिश किया करते हैं, अक्सर कर उनकी बेरहम माँ जो मेरे मासूम बच्चों को नाजायज बोलती हैं वो, और ये घटिया आदमी उस पर चुप रहता है। वर्सोवा पुलिस स्टेशन में कल इसके खिलाफ रेप की शिकायत प्रूफ के साथ दर्ज कराई है, यानी उन्होंने जो शिकायत दर्ज कराई है वर्सोवा थाने में, उसके साथ साथ उन्होंने प्रूफ भी दिया है। और कुछ भी, उन्होंने ये बात भी कही है कि कुछ भी हो जाए वो बेरहम हाथों में अपने बच्चों को नहीं सौंपेंगी। उन्होंने कहा है कि इस वीडियो में उन्होंने एक बात और भी बताई है कि नवाज ने कल कोर्ट में एक केस डाला था जिसमें वो बच्चों की कस्टडी लेना चाहते थे। मैं आप सभी लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि जिस शख्स ने कभी बच्चों को महसूस नहीं किया है, ना पेट में महसूस किया, ना उसके बाद महसूस किया, जिसे नहीं पता कि बच्चे डायपर की कीमत कैसे है, बच्चे को कैसे डायपर पहनाते हैं, वो अब बच्चों की कस्टडी लेना चाहते हैं। और इन सब के बीच उन्हें ये बात भी, उन्होंने ये भी कहा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो उनके पति थे, उन्हें ये भी नहीं पता कि बच्चे कब बड़े हो गए, वो अब केस फाइल कर रहे हैं, उनकी कस्टडी के लिए केस फाइल कर रहे हैं। और आगे इससे संबंधित जो भी जानकारी होगी, जो भी खबरें होंगी, हम आप सभी तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, फिलहाल अब तक जब मैं आपको ये खबर बता रही हूं, जब मैं आपको ये खबर सुना रही हूं, तब तक नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, ना ही उनकी मां की तरफ से कोई प्रतिक्रिया दी गई है। आगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है, इससे जुड़ी हर ताज़ा खबरें, ताज़ा जानकारी हम आप सभी तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।